अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टेलीप्राइम में अकाउंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की आवश्यकता क्यों होती है और इन्हें कैसे बनाते हैं। साथ ही बताएंगे कि ग्रुप समरी क्या है और उसे कैसे देखते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमने अपनी एक कंपनी ओपन कर ली है। इसमें हम जिस तरह काम करके बता रहे हैं, ठीक उसी तरह आप भी अपनी कंपनी में काम कर सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की आवश्यकता क्यों होती है। पहले हमारा व्यवसाय छोटा था तो हमारे पास कुछ ही कस्टमर्स थे, पर अब हमारा व्यवसाय बड़ा होता जा रहा है। अब हमारे कस्टमर्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हैं। शुरू से हम अपने सभी कस्टमर्स के लीजर्स सनरी डेटस ग्रुप के अंतर्गत बना रहे हैं। आइए पहले एक बार ग्रुप समरी के द्वारा सनरी डेटस यानी सभी देनदारों की रिपोर्ट देख लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। रिपोर्ट्स के अंतर्गत डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के लिए डी प्रेस करें। यहाँ अकाउंट बुक्स के लिए ए प्रेस करें। अब ग्रुप समरी के लिए जी प्रेस करें। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ रही है। यदि आप सभी ग्रुप्स की रिपोर्ट एक साथ देखना चाहते हैं तो प्राइमरी सिलेक्ट करें, या फिर जिस ग्रुप की रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। हम सन्ड्री डेटर सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए सन्ड्री डेटर्स ग्रुप की रिपोर्ट आ रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि समझने में आसानी हो इसलिए हमने अपनी सभी कस्टमर्स के नाम के साथ उनकी सिटी और स्टेट के नाम भी लिख दिए हैं। नाम के आखिर में उनके क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाई पड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट के बारे में हम आपको आगे विस्तार से समझाएंगे। अभी हम इस रिपोर्ट में सिर्फ मध्य प्रदेश के कस्टमर्स की डिटेल्स चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इस रिपोर्ट में से मध्य प्रदेश के कस्टमर्स की डिटेल्स को छांट कर अलग कहीं लिखना होगा। ऐसी स्थिति में हमें इस काम को करने में समय लगेगा और यदि कर भी लेंगे तो गलती होने की संभावना बनी रहेगी। यदि हम इस तरह के काम को बगैर गलती के शीघ्रता से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग ग्रुप्स बनाने होंगे और उनके अंतर्गत कस्टमर्स के लेजर्स बनाने होंगे। और यदि पहले से ही लेजर्स बने हुए हैं तो उन लेजर्स को अल्टर करके उन्हें संबंधित प्रदेश के ग्रुप के अंतर्गत लाना होगा। आइए इसे हम एक चार्ट की सहायता से समझ लेते हैं। यहाँ हमने सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत यूपी कस्टमर्स, एमपी कस्टमर्स और महाराष्ट्र कस्टमर्स के स्टेट वाइज तीन अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं और उनके अंतर्गत हमें संबंधित क्षेत्र के कस्टमर्स के लेजर्स भी लाना होंगे। ध्यान रखें, हम जिस तरह से स्टेट के ग्रुप्स बना रहे हैं, आप चाहें तो अपने एरिया के सेल्समैन के हिसाब से भी अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। इससे ये होगा कि हम आसानी से ये देख सकेंगे कि किस सेल्समैन के द्वारा कितनी उधारी आना है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें कि हमने बेसिक लेवल की वीडियो नंबर 25 में बताया था कि इन्वेंटरी यानी स्टॉक के लिए स्टॉक ग्रुप और सब ग्रुप की आवश्यकता क्यों होती है और इन्हें कैसे बनाते हैं। और वीडियो नंबर 26 में बताया था कि स्टॉक ग्रुप्स को ऑल्टर और डिलीट कैसे करते हैं। ठीक उसी तरह आप लेजर्स के लिए बनाए गए ग्रुप्स पर भी काम कर सकते हैं। तो आइए पहले ग्रुप्स बना लेते हैं। ग्रुप्स बनाने के दो तरीके हैं। पहला है सिंगल ग्रुप बनाना, इसे हम इसी वीडियो में आगे समझेंगे, और दूसरा है मल्टीपल ग्रुप्स बनाना। इसके द्वारा हम एक बार में बहुत से ग्रुप्स बना सकते हैं। उसके लिए मास्टर के अंतर्गत चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर जाएं, ग्रुप पर जाकर एंटर प्रेस करें। यहाँ मल्टी मास्टर के लिए ऑल्टर और एच प्रेस करें। मल्टी क्रिएट सिलेक्टेड है, एंटर प्रेस कर दें। अंडर ग्रुप में सन्ड्री डेटा सिलेक्ट करें क्योंकि हमें इसी ग्रुप में सब ग्रुप बनाने हैं। यहाँ नेम ऑफ ग्रुप्स में उन ग्रुप्स के नाम टाइप करें जो आप बनाना चाहते हैं। इसी तरह आप ऊपर सिलेक्ट किए गए ग्रुप में कितने भी सब ग्रुप्स बना सकते हैं। आखिर में कंट्रोल और ए प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन को एक्सेप्ट करते ही हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर आ गए हैं। यहाँ हमारे द्वारा बनाए गए सभी ग्रुप्स सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं।
अब हमें पहले से बने सभी कस्टमर्स के लेजर्स को ऑल्टर करके संबंधित ग्रुप में लाना होगा। लेजर्स में ऑल्टरेशन करना हम आपको डिटेल में अपनी वीडियो नंबर 17 में बता चुके हैं। लेजर्स में एक साथ ऑल्टरेशन करने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर जाएं। यहाँ लेजर सिलेक्टेड है, एंटर प्रेस करें। यहाँ मल्टी मास्टर के लिए ऑल्टर और एच प्रेस करें। अब मल्टी ऑल्टर पर जाकर एंटर प्रेस करें। अब यहाँ हमें वो ग्रुप सिलेक्ट करना होगा जिसके अंतर्गत बने लेजर्स में हम ऑल्टरेशन करना चाहते हैं। हम सन्ड्री डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ मल्टी लेजर ऑल्टरेशन स्क्रीन आ रही है और नेम ऑफ लेजर में सभी कस्टमर्स के नाम आ रहे हैं और उनके आगे अंडर में वे किस ग्रुप में बने हैं उस ग्रुप का नाम आ रहा है। हमें ग्रुप चेंज करना है तो एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अब अंडर में जिस स्टेट का वो कस्टमर है वो ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अक्षय एंटरप्राइजेस महाराष्ट्र का कस्टमर है तो यहाँ हम महाराष्ट्र कस्टमर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम सभी कस्टमर्स के ग्रुप बदल लेते हैं। देखिए हमने सभी कस्टमर्स के ग्रुप्स बदल दिए हैं। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइए अब फिर से सन्ड्री डेटर्स ग्रुप की रिपोर्ट देख लेते हैं। डिटेल्ड रिपोर्ट देखने के लिए ऑल्टर और F5 कीज को प्रेस करें। ये देखिए सन्ड्री डेटर्स की रिपोर्ट आ रही है। इसमें किस स्टेट में किस कस्टमर से क्या लेना है ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अब यदि आप सिर्फ किसी एक ही स्टेट की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करके उस ग्रुप का नाम सेलेक्ट करें। हम MP कस्टमर्स ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही हमें सिर्फ MP कस्टमर्स की डिटेल्स मिल गई हैं। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे मुंबई में बहुत से कस्टमर्स हैं, इसलिए उनकी यानी मुंबई कस्टमर्स की रिपोर्ट अलग से भी दिखे और महाराष्ट्र कस्टमर्स के साथ भी दिखे, तो उसके लिए हमें मुंबई कस्टमर्स के नाम से एक सब ग्रुप महाराष्ट्र कस्टमर्स ग्रुप के अंतर्गत बनाना होगा। चलिए बताते हैं कैसे। ये काम हम सिंगल ग्रुप क्रिएशन की सहायता से कर रहे हैं। हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। मास्टर के अंतर्गत क्रिएट पर जाएं। ग्रुप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एंटर प्रेस करेंगे। नाम में आप जो ग्रुप बनाना चाहते हैं उसका नाम टाइप करें। हमने टाइप किया मुंबई कस्टमर्स, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। अंडर में वो ग्रुप सिलेक्ट करें जिसके अंतर्गत आप ये ग्रुप बनाना चाहते हैं। हम महाराष्ट्र कस्टमर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। अब कंट्रोल और ए प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुंबई कस्टमर्स ग्रुप बनाने के बाद हमें पहले बताए अनुसार हमारे मुंबई के सभी कस्टमर्स के जो लेजर्स हैं उनके ग्रुप बदलना होंगे। हम सिर्फ मुंबई के कस्टमर्स के लेजर्स के ग्रुप महाराष्ट्र कस्टमर से बदलकर मुंबई कस्टमर्स कर रहे हैं। एक विशेष बात ये, अब हम जब भी नए कस्टमर्स के लेजर्स बनाएंगे तो उन्हें सन्ड्री डेटर्स की जगह यूपी कस्टमर्स, एमपी कस्टमर्स, महाराष्ट्र कस्टमर्स या मुंबई कस्टमर्स ग्रुप के अंतर्गत बनाएंगे या अपनी जरूरत के अनुसार इस तरह के और भी ग्रुप्स बनाकर उनके अंतर्गत बनाएंगे। आइए फिर से रिपोर्ट देखते हैं। F2 प्रेस करके हम पूरे वर्ष का पीरियड ले रहे हैं। अब डिटेल रिपोर्ट के लिए ऑल्टर और F5 प्रेस करें। यहाँ मुंबई कस्टमर्स की डिटेल नहीं आ रही है, उसके लिए F12 प्रेस करके यहाँ एक्सपैंड ऑल लेवल्स इन डिटेल्ड फॉर्मेट को
यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। ये देखिए पूरी रिपोर्ट आ रही है। अब यदि आप सिर्फ किसी एक स्टेट या अकेले मुंबई के कस्टमर्स की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करके उस ग्रुप का नाम सिलेक्ट करें। हम मुंबई कस्टमर सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए सिर्फ मुंबई कस्टमर्स की रिपोर्ट आ रही है। वैसे तो हम आपको ग्रुप समरी देखना बता चुके हैं, पर यदि आप अपने कस्टमर्स की ज्यादा डिटेल्स देखना चाहते हैं, जैसे कि उनका ओपनिंग बैलेंस क्या था, उसको कितना माल गया, उसका कितना पेमेंट आया, अब क्या लेना बाकी है, तो उसके लिए इस स्क्रीन को कॉन्फ़िगर करना होगा। उसके लिए हम F12 प्रेस कर रहे हैं और यहाँ शो ओपनिंग बैलेंस को यस और शो ट्रांजैक्शन को यस कर रहे हैं। ये देखिए शो क्लोजिंग बैलेंस पहले से यस है, इसे हम ऐसा ही रहने देंगे और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए ऐसा करते ही पूरी डिटेल आ गई है। इस वीडियो में हमने जिस तरह से ग्रुप्स क्रिएट करना बताया, उसी तरह से आप अपनी जरूरत के अनुसार टैली में पहले से बने हुए किसी भी ग्रुप के अंतर्गत ग्रुप्स बना सकते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, वैसे तो टैली ने हमें 15 प्राइमरी ग्रुप्स पहले से ही बनाकर दिए हैं और इसके अलावा कोई प्राइमरी ग्रुप बनाने की जरूरत प्रायः नहीं होती। फिर भी यदि आप कोई प्राइमरी ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। चलिए बता देते हैं कैसे। मास्टर के अंतर्गत क्रिएट पर जाएं, ग्रुप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एंटर प्रेस करें। जिस नाम से आप ग्रुप बनाना चाहते हैं वो नाम टाइप करें। एंटर प्रेस करते हुए अंडर में प्राइमरी सिलेक्ट करें। ऐसा करते ही नेचर ऑफ ग्रुप्स की लिस्ट दिखाई पड़ेगी। इसमें आप अपनी जरूरत अनुसार ग्रुप का नेचर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। ऐसा करते ही आपका नया प्राइमरी ग्रुप बन जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।